हाय दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक इन्फॉर्मेशन इज द किंग। मैंने गुप्ता शब्द लिखा है। गुप्ता का मतलब मैंने पढ़ा था कहीं, हु कीप्स सीक्रेट्स, क्योंकि हमारी जो गुप्ता फैमिली मानी जाती है, गुप्ता कम्युनिटी मानी जाती है, वो बिजनेस में परफेक्ट मानी जाती है। तो उसको फिर जो भेद गुप्त रखने वाले बंदे को गुप्ता कहते हैं। तो यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो ये क्वालिटी आप में जरूर होनी चाहिए। मैं ये वीडियो बनाने की क्यों नौबत आई, मेरे पास ट्रेनी आए हुए हैं, कोई डाटा इकट्ठा करवाया उनसे और डाटा इकट्ठा करके किसी दूसरे प्रॉपर्टी डीलर के साथ उन्होंने शेयर कर लिया। तो मेरे को जब पता लगा तो मैंने उनको कहा कि यार ये क्या तुमने क्या किया। कहते सर हमारे से गलती होगी। भाई गलती हो गई तो चलो मैं माफ़ भी कर देता हूँ, लेकिन आपको बेसिक जो चीज़ें हैं बिजनेस करने की, वो उनको तो आपने फिर इग्नोर कर दिया। किसी भी बिजनेस में इन्फॉर्मेशन आपके पास, इन्फॉर्मेशन जिसके पास है वो बंदा किंग है। पर मैं एक कहावत बना रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, जिसके पास डाटा है वो वही आज का बिरला टाटा है। बिरला टाटा वही बनेगा जिसके पास डाटा होगा। तो ये यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपने इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखना है। यदि आपके पास कोई प्लॉट है बेचने के लिए, मतलब 4 CR का, 4 करोड़ का प्लॉट है, और वो बंदे ने गलती जो की है वो दूसरे बंदे से जाके उन्होंने डिस्कस करने के लिए गए थे और उसको पार्टी का नंबर ही दिया है, तो मैं ये उनको यही कहा है कि भाई यदि आप ये सीक्रेट ही सामने वाले को दे दोगे तो वो आपको कब इस प्लॉट में से कुछ पैसे कमा के देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही लीक कर दी। इन्फॉर्मेशन इज़ दी किंग, मैंने इसीलिए लिखा है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। जब आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो, आपके पास नॉलेज है, तो लोग आपके पास मिलने के लिए आते हैं आपको। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, जिसके पास कोई कागजों की कोई दिक्कत आ जाए, कई बार लुधियाना में जैसे बड़ा पक्का बिग है, सरहंद में पक्का बिग है, कई बार ऐसे जो फंसे हुए केस हैं वो हमारे पास लेके आते हैं कि ये आप देखो। मतलब जिस बंदे के पास नॉलेज होगी उस बंदे को सामने वाला बंदा छोड़ के राजी नहीं। तो ये आपका काम, आपका बिजनेस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहाय होता है। सो इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना ही आपका कामयाब होने का जो रास्ता है पद्धर होता चले जाएगा। डाटा, आज के डेट में डाटा बहुत, डाटा प्राइम है, डाटा किंग है। जिसके पास आज डाटा है, सपोज कोई प्रॉपर्टी डीलर है और उसके पास इन्वेस्टर का डाटा है, कोई स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है उसके पास इन्वेस्टर का डाटा है, कोई और जगह पे काम कर रहा है उसके पास इन्वेस्टर का डाटा है, तो वो उनके इन टच है। 1000 बंदे का भी डाटा हो, 1000 बंदे को इन्फॉर्मेशन आप दे दोगे, उसमें 1, 2, 4 बंदे तो आपके साथ आ ही जाएंगे, और 2-4 बंदे आएंगे तो आप अपनी मर्जी का पैसा उनसे कमा पाओगे। सिंपल बात, सिंपल शब्दों में यदि कहूँ कि इन्फॉर्मेशन जो है, जो डाटा है, वो सीधे तौर पर आपके नोट हैं। यदि आप ऐसा डाटा ही किसी को आगे दे दोगे तो फिर इसका मतलब आपने अपना पैसे का नुकसान ही कर लिया। गुप्ता जी की तरह रहो, जैसे गुप्ता जी रहते हैं, अपने सीक्रेट्स अपने पास रखते हैं, किसी को अपने दिल की बात नहीं बताते। यदि आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस कर रहे हो, रियल स्टेट का कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो कोई, तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप अपने सीक्रेट्स अपने पास जरूर रखें। सिर्फ गुप्ता नाम लिखने से बिजनेसमैन नहीं हो जाता। जो लोग दूसरे हैं, चाहे सरदार हो, चाहे कोई और कम्युनिटी से भी आते हों, जो बंदा गुप्ते वाली क्वालिटी अपने अंदर ले आएगा वही गुप्ता जी बनेगा, वही बिजनेसमैन बनेगा, वही बिजनेस में कामयाब होगा। आपने कभी भी जो अपनी जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर नहीं करनी। हाँ, ये जो लोगों, जो लड़कों ने, मेरे वाला लड़कों ने गलती की, इनका, इनको जिस काम के लिए भेजना था वो ये भेजना था कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी फॉर सेल है या इतनी टूलेट के लिए तैयार है। जो बंदा सेल के बीच में लगा हुआ है उससे आप पूछ सकते हो कि क्या स्ट्रेटजी अपनाएं हम कि हम ऐसे प्रॉपर्टी अपनी सेल कर सकें या अपनी जो टूलेट वाली प्रॉपर्टी है उसको किराए पर चढ़ा के अपनी कमीशन कमा लें।
लेकिन इन्होंने गलती नए थे बच्चे चलो गलती होती है कोई बात नहीं नए थे उनको उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे आई। तो चलो मैं ये कहा कोई बात नहीं पहली बार हो गलती होती है कोई दिक्कत नहीं आगे से ऐसी गलती नहीं करनी। फिर याद रखो जिसके पास डाटा है वही बिरला टाटा है। तो सिंपल आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है किसी के साथ शेयर नहीं करनी। हाँ आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है यदि आप सामने वाले से कोई बात उससे पूछना चाहते हो तो भी आपको पूरे दिल की बात नहीं बतानी। कई बार हम ऐसे करते हैं जो रियल स्टेट के तीन बेसिक फैक्ट्स हैं उसमें नंबर वन पे कैलकुलेशन है नंबर दो पे जो मेन अपने कंपैरिजन ऑफ रेट है तो हम कई बार बताते ही नहीं सामने वाले बंदे को कि हम क्या क्यों आए हैं। कई बार हमने कोई प्रॉपर्टी वहाँ बेचनी होती है तो वहाँ खरीदने की तरफ चलते हैं। यदि हम पहले बेचने की बात करेंगे कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है तो वो अपनी मर्जी का रेट देगा फिर हमें अपनी मर्जी से बताएगा। जब हम खरीदने वाली तरफ चलेंगे तो वो अपनी दूसरी मर्जी के हिसाब से बताएगा। तो हम उससे असेसमेंट कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी का क्या रेट हो सकता है इस तरीके की प्रॉपर्टी किस रेट में बिक सकती है। ये बहुत बड़ा बेसिक फंडा है और जितनी यही बात मैं कह रहा हूँ जिसके पास इन्फॉर्मेशन है वो बंदा किंग है वही बंदा किंग रहेगा। सो जो इन्फॉर्मेशन आप सामने वाले के साथ बात भी करनी है तो अपने आपने थोड़ा बहुत घुमा के बात करनी है ताकि आपको वहाँ की नॉलेज हो जाए। ये नहीं कि अपने पास ये प्रॉपर्टी है जी और इसका बेचने वाला दिल्ली बैठा है उसका फ़ोन नंबर ये है तो यदि आपने ये दे दिया सामने वाले को तो सामने वाला डील करेगा आप फिर जहाँ भी रहोगे वहीं रहोगे फिर। सो आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि यदि आपको कंपैरिजन ऑफ रेट भी करना पड़ता है तो हमें ये करना चाहिए। कई बार हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो बेचने की बात करनी चाहिए कि यार यहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार है वो प्लॉट बेचना चाहता है क्या रेट मिल जाएगा। जब वो रेट बताएगा तो उसको कंपैरिजन करना है। 10% की फ्लक्चुएशन हो सकती है और दोनों तरफ से यदि आप इसको सर्वे कर लोगे इसको सर्वे करना बोलते हैं सर्वे कर लोगे कंपेयर कर लोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा बायर या अच्छा सेलर मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन के बारे में फिर वही इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू नॉलेज और नॉलेज है जो आपने शेयर उतनी करनी है जितनी जरूरी है। हर एक लेवल की नॉलेज आपने शेयर नहीं करनी अपने रिगार्डिंग डील जो आपके पास डील पड़ी है। सिंपल बात 100% की एक ही बात आप अपने बारे में चौकस रहें चौकन्ने रहें। चौकन्ने का मतलब है चार कान वाला जुबान एक कान चार। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अंदर लेनी है और कम से कम बाहर निकालनी है। वैसे भी कुदरत ने दो कान एक जुबान ये दी है तो दो कान का मतलब हमने डबल सुनना है और आधा बोलना है। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो चौकन्ना होता है। चौकन्ने का मतलब यही है कि आपके आम आदमी से सुनने की कैपेसिटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कैपेसिटी दूसरे आदमी से डबल होनी चाहिए। आज के लिए इतनी बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपको मिलूँगा। तब तक आप ध्यान रखें इस तरीके से सीखते जाएं पढ़ते जाएं आगे बढ़ते जाएं क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। यदि आपको ये चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी तो बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप अपना ध्यान रखें बहुत जल्द आपके सामने होऊंगा। राजवंत सिंह मोहाली आपका दोस्त आपका होस्ट। थैंक यू वेरी मच।